ज वेलकम बैक टू ब्लॉग आई होप यू आर डूइंग वेल तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ सरोजी नगर की शॉपिंग एंड इस हॉल में आपको आज दिखाने वाली हूँ कि मैंने सरोजी नगर डेली से क्या क्या खरीदा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं बहुत सारी वैरायटी ली हुई है मैंने जीन्स लिया है मैंने बुलेन्स लिए हुए हैं एंड बहुत ही चीप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में तो ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो लास्ट तक तो जरूर देखिएगा एंड जो भी मेरे इस चैनल पे नए हो जल्दी से जाके इस चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यूँ ही मिलती रहे तो चलिए जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपके संग शेयर करूँगी बॉटम वेयर मैंने बॉटम वेयर लिए हुए हैं एंड मैं अगर उसकी प्राइस की बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी बॉटम वेयर थे वो 200 उसका मिनिमम था एंड मैक्सिमम 500 तक की रेंज ही थे एंड सारे के सारे जो जीन्स थे मैंने जो जीन्स लिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड सारी वैरायटी थी हाई वेस्ट था लो वेस्ट था एंड फ्लेयर जीन्स भी थे चीनोज भी थे तो बहुत वराइटी थी वहां पे तो ये वाला जीन्स मैंने लिया हुआ है एंड ये लो वेस्ट जीन्स है तो इस तरीके से है ये एंड यहाँ पे नीचे में इस तरीके से दिया हुआ है इसका बॉटम एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफेक्ट दिया हुआ है इस तरीके से तो बहुत अच्छा जीन्स लगा मुझे ये ये लिटिल बिट फ्लेयर जीन्स में है एकदम टाइट उसमें नहीं है यहाँ पे इस तरीके से ये जीन्स दिया हुआ है तो मुझे ये जीन्स बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड इसका कलर भी बहुत अमेजिंग है ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट है तो सस्ता तो कहीं नहीं मिलता सो so, नेक्स्ट जो मैं आती हूँ तो मैं आ, मैंने जो वुलन्स लिए हैं मैं उस पर आती हूँ तो सबसे पहला जो मैंने वुलन्स लिया हुआ है जो मैं सबसे सस्ता जो मैंने विलेंस लिया हुआ है वो मैंने एट्टी रुपीज़ में लिया है एंड यू वन बिलीव कि एट्टी रुपीज़ में ये वाला स्वेट शर्ट है मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लाइनिंग पैटर्न पे है एंड इस तरीके से इसका वुल वुलन दिया हुआ है तो ये फुल में है पूरा एंड पूरे में लाइनिंग पैटर्न दिया हुआ है आगे एंड बैक दोनों में पहनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा बहुत ही ब्यूटीफुल कलर भी है एंड जैसा ये कैमरे में दिख रहा है ये वैसा ही है एट्टी रुपीज़ में कुछ नहीं मिलता है एंड एट्टी रुपीज़ में मैं ये स्वेट शर्ट लेके आई सरोजी नगर से नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने वन फिफ्टी रुपीज़ में लिया है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है ये वाला जो कलर है लाइम कलर मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट कलर में से है तो इस तरीके से इसका राउंड नेक दिया हुआ है एंड ये जो स्वेट शर्ट दिया हुआ है इस तरीके से पूरा इसमें फुल स्लीव्स दी हुई है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग में दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एंड इसका बैक में इस तरीके से दिया हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये आप देख रहे हो एंड इसका जो लेंथ है वो भी आ, मुझे वेस्ट तक ही आ रहा था ज़्यादा ये लॉन्ग भी नहीं है ये मीडियम लेंथ तक में दिया हुआ है नेक्स्ट जो है वो मैंने लिया हुआ है पिंक कलर में एंड ये भी 150 वन फिफ्टी की रेंज में था इस तरीके से राउंड नेक दिया हुआ है एंड ये भी मेरे को शॉर्ट में लिया हुआ है मैंने एंड इस तरीके से इसकी स्लीव्स दी हुई है थोड़ा सा लाइनिंग पैटर्न दिया हुआ है इसमें एंड यहाँ पे भी थोड़ा आ, पैटर्न दिया हुआ है जग्जैक्ट टाइप का कुछ पैटर्न दिया हुआ है बैक में ये प्लेन है इस तरीके से तो ये वाला जो मुझे स्वेटर है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड इसका जो कलर है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है तो ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो इस तरीके से आप सरोजनी में इतने सस्ती सस्ती शॉपिंग कर सकते हो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ है मैंने ये कार्डिगन टाइप लिया हुआ है एंड इस तरीके से ये दिया हुआ है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये साड़ी वगैरह में या सूट वग़ैरह में काफ़ी अच्छा लगता है इसमें यहाँ के कोई भी बटन वटन कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये इस तरीके से इसकी स्लीव्स दी है एंड ये थोड़ा सा बलून पैटर्न में स्लीव्स दी हुई है यहाँ से थोड़ा लूज पैटर्न आता है इसका एंड यहाँ पे इस तरीके से कफ लाइन दी हुई है इसकी तो ये थोड़ा मैंने लॉन्ग में लिया है एंड इसका जो कलर था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो ये है पूरा इस तरीके से दिया हुआ है लाइनिंग पैटर्न पर इसका पैटर्न ही मुझे बहुत अमेजिंग लगा हुआ है मैंने एक बेल्ट लिया है तो ये काफ़ी यूज़ में आता है अगर आप साड़ी को पहनते हो या फिर आप किसी दुपट्टे को भी ड्रिप करते हो तो ये काफ़ी यूज़ में आता है तो ये मैंने वन फिफ़्टी रुपीज़ का लिया है इस तरीके से ये दिया हुआ है तो ये बेल्ट मुझे काफ़ी पसंद आया तो इस तरीके से आप ले सकते हो वहाँ पे एंड एक चीज़ मैंने कोट भी ली हुई कोट भी लिया हुआ है वहाँ से एंड उसका रेंज सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज़ था आजकल कोई भी कोट वग़ैरह आपको आ, थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड की रेंज में ही मिलेंगे लेकिन सरोजनी में जस्ट अपोजिट है तो सरोजनी में वो चीज़ मैंने ली हुई है एंड इट जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो ये है वो कोट जो मैंने सरोजनी से लिया हुआ है एंड uh, ये सिर्फ मुझे फाइव हंड्रेड में मिला है एंड इसका जो स्लीव्स दी हुई है वो इस तरीके से कुछ स्लीव्स दी हुई है एंड काफ़ी सुंदर है ये मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा ये मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी इस तरीके से ये कोट दिया हुआ है एंड ये काफ़ी गर्माते हैं ठंडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड यहाँ पे भी पॉकेट वगैरह दी हुई है इसमें इस तरीके से आप सरोजनी में बहुत ही अफोर्डेबल शॉपिंग कर सकते हो एंड ऑल्सो मैंने एक बैग भी लिया हुआ है वहाँ से एंड ये जो बैग लिया था मैंने ये जस्ट मुझे टू फिफ्टी रुपीज़ में मिला है ये स्लिंग बैग है इस तरीके से इसमें ये दिया हुआ है मैं अगर इसका बताऊँ तो इसमें काफ़ी स्पेस दिया हुआ है एंड बहुत ब्यूटीफुल है सिंपल है एलिगेंट है और तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला भी अफोर्डेबल है एंड सुंदर भी है आजकल अगर आप इसको मार्केट से लेते हो तो ये थाउजेंड रुपीज़ से कम का बिल्कुल भी, भी नहीं मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा ये बैग एंड जो नेक्स्ट मैंने चीज़ ली हुई है वो आ, मैंने लिया हुआ है ये बच्चों के हिसाब से लिया हुआ है एंड ये एक आ, कैप है तो ये भी मैंने वन फिफ्टी रुपीज़ में लिया हुआ है इस तरीके से है बच्चों की है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था तो मैंने इसको लिया और ये आजकल बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगेगा ये वाला कैप तो इसलिए मैंने ये वाला लिया था तो ये बनी वाला कैप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है सो तो सरोज जी मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं सो तो गाइज आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हैव शेयर दिस वीडियो विदिली एंड फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल बेलाइक बटन सी कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय